आम आदमी पार्टी ने चंबा विधानसभा क्षेत्र में भी पैर पसारने आरंभ कर दिए हैं। जिला में रोजाना पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान चलाकर लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जा रहा है। इसी के तहत आज चंबा के वकील उज्जवल महाजन व अन्य सदस्यों द्वारा आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान आम आदमी पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता सलीम खान, विनीत कपूर, तनवा मिर्जा मौजूद रहे। आज हमारे भाई जो परिचय के मोहताज नहीं हैं, उज्जवल महाजन जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं बार एसोसिएशन चंबा के, आज उन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जो कि एक धार्मिक और आध्यात्मिक भी है। आज ऐसे बुद्धिजीवी लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, इससे आम आदमी पार्टी का परिवार और संगठन मजबूत होने जा रहा है और मुझे उम्मीद है इनके सहयोग से आम आदमी का परिवार और भी आगे बढ़ेगा। धन्यवाद सर जी। और इसके साथ हमने आज सदस्यता का सदस्य आम आदमी पार्टी की सदस्यता का अभियान भी चलाया है, जिसमें हमने सुबह से आज कम से कम 100 लोगों को ज्वाइनिंग भी करवाई। मैं उज्जवल महाजन चंबा का एक आम नागरिक हूँ और अरविंद केजरीवाल जी की जो पॉलिसीज हैं सोसाइटी के वेलफेयर को लेके, जिसको हम लोग तरसते हैं कि कभी ना कभी हमारा रिप्रेजेंटेटिव ऐसा आएगा जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए सोचेगा, तो अरविंद केजरीवाल जी ने उसकी मिसाल अपने हाथों में ली है और उनकी नीतियों से, उनके विचारों से प्रेरित होकर मैंने भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है आज। और मैं वैसे पेशे से एक एडवोकेट हूँ और हाल में मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का जो वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। और देखिए, हम सब वेलफेयर की बात करते हैं, मगर मुझे लगता है जो भी इंसान अगर ये बताए दे कि हमें स्वास्थ्य में वेलफेयर मिला, हमें एजुकेशन में वेलफेयर मिला, हमें बेरोजगारी में वेलफेयर मिला, अगर उनका जवाब हाँ में है तो वो जिस पार्टी में है वो उस पार्टी में ही डटे रहें, अगर उनका जवाब ना में है तो उनको बदलाव के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि बदलाव जो है वो एक पॉजिटिविटी का एक साइन है और केजरीवाल जी जो है वो एक पॉजिटिविटी का साइन हमें दिखा रहे हैं, ताकि हम अपना वेलफेयर ना करें, हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो आगे आएं। अकेले मेरे आने से कुछ नहीं होगा, लेकिन एक के साथ एक हाथ जब जोड़ते जाएंगे हम, तब हम एक मजबूत कड़ी बन सकते हैं। और हम लोग, हमारे ऊपर ही ये दायित्व है कि हम लोग सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचें, हमें अपने बारे में सोचने वाले नेता नहीं चाहिए, हमें जो सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचे हमें वैसे नेता चाहिए। और सबको नवरात्रों की और नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई है, भगवान सबको जो है सद्बुद्धि दे, अपने मार्ग पे वो अच्छे से काम कर सकें, सत्कर्म कर सकें और सबकी सेवा के भाव के साथ अपने जीवन में हर कर्म को परफॉर्म करें।